हेलो तगड़ी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो अभी हम है भाई रास्ते में, यानी कि हम अभी हैं ऋषिकेश चंबा रोड पे, और बहुत सारे जो है हमारी टीम हमारे साथ में है, हमेशा की तरह। विशाल जी भाई चाय पी रहे हैं, अभी हम लोग बैठ कर फिर भागेंगे आगे, कहाँ, सुरकंडा देवी की तरफ। और हिमानी जी और इधर है नोनू, मोनी और नोनू। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जगह, ब्लॉग पर बने रहना, ये मिनी ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं, और विशाल जी भी ड्राइविंग कर रहे हैं और मजा आ रहा भाई साहब। और इस साइड है भाई नोनू मोनी, और इस साइड है वेद और हिमानी। तो चलो गाइस सीधा मिलते हैं आपको ऊपर ही माता जी के पास, मतलब ऊपर मतलब माता जी के दरबार में। तो फाइनली गाइस पहुंच चुका है सुरकर्णा माता के मंदिर के पास। और एक बात बताता हूँ आपको, एक माँ ना बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, और एक बाप जिंदगी भर बच्चे को लेके घूमता रहता है। बच्चा पैदा होने के बाद रात रात भर जगती है माँ, उसका क्या, हम भी तो जगते हैं। अरे जाओ, झूठ देखो झूठ। नोनू सच बता दो सच। अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं ट्रॉली के पास, और मोनी नोनू को भी कपड़े बना रही है, बिकॉज ठंडा बहुत ज्यादा है। और ट्रॉली आ चुकी पास में, और अभी पहले जो ऊपर से सवारी आई है पहले उतरेगी, उसके बाद हम यहाँ पर जो है बैठेंगे भाई। और ट्रॉली कितनी सुंदर लग रही है, वाओ। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं माता के दरबार में, और देख सकते हैं आप कि भाई क्या प्यारा लग रहा है माता का दरबार। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं। और गाइस यहां पर देखो इतना प्यारा सजा रखा मंदिर, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है, और सच बताऊं शाम को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना। क्या कह रही हो, रील बनानी है? ये आदमी गाइस रील का बड़ा शौकीन आदमी है, और दूल्हा दुल्हन तो बहुत आ रखे है, ये हमने झेल लिया ये ना। चलो ठीक है, तो अभी दोस्तों माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं, और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। और अभी आप देखेंगे पीछे ट्रॉली जा रही है, और ट्रॉली में मोनी और हिमानी और नोनू और वेद को हमने भिजवा दिया भाई, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना हमारी बहस हो गई थी इन लोगों से जो ट्रॉली वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमने टिकट ली शाम को 4:30 बजे, तो इन्होंने कहा था कि जब आप 4 बजे आओगे यहाँ पे नीचे जहाँ से टिकट मिलती है, तो अप एंड डाउन की टिकट आपको तभी मिलेगी जब आप 4 बजे उससे पहले पहले आएंगे। तो अभी सीन ये है कि उन्होंने टिकट हमें दिया नहीं था भाई नीचे से, क्योंकि हम 4:30 बजे पहुँचे ही थे। तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने वन साइड का हमें टिकट दिया था ऊपर का, लेकिन नोनू की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि यार नीचे का ना आप हमें टिकट दे दो अलग से, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन भाई उन्होंने बच्चों की प्रॉब्लम को समझ लिया और टिकट दे दिया। लेकिन विशाल भाई एक बात और भी है, बहुत बहस करने के बाद ना दिया, पर ये बात है बहुत बहस नहीं करनी चाहिए बच्चों का, बच्चा किसी का भी हो, बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, और ये सिचुएशन हाथ में नहीं है। और गाइज मैंने उनको समझाया बताया कि बच्चे हमारे साथ में है, प्रॉब्लम है, और बच्चे यार भगवान का रूप होते हैं, और सोचो कि अगर ऐसे मंदिर में आके अगर ऐसी हरकतें हुए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी यहाँ पर ट्रॉली प्रशासन है, कि भाई अगर किसी के साथ में बच्चे हैं और 5 बजे के बाद भी अगर लेट हो जाता है, तो आप लोग यार जिनके साथ में बच्चे हैं ना, आप लोग उनको टिकट दे दिया करो, है ना, क्योंकि हम लोग तो पैदल जा सकते हैं। फिलहाल देखो विशाल भाई और मैं पैदल जा रहे हैं, और मोनी हिमानी और वेद और नोनू को हमने जो है ट्रॉली के थ्रू भिजवा दिया है, उनको बोला कि आराम से गाड़ी पे वेट कर लो। तो फिलहाल हम भाई निकल ही रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर आते हैं मंदिर में के दर्शन करने, और हम कौन से मंदिर में ये बता दो जरा भाई, हम लोग हैं सुरकंडा देवी मंदिर, हाँ सिद्ध पीठ में से
माँ का सिद्ध पीठ है जो। और एक चीज और गाइज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो प्लीज फोटोग्राफी ना करा करें, बिल्कुल, क्योंकि भाई ये सिद्ध पीठ है ना, और सिद्ध पीठ में कैमरा वैसे भी अलाउड नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो इसलिए ध्यान रखें। और गाइज यहाँ पर ना एक बात और बता दूं, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि जब भी आप आए 4 बजे से पहले पहले आपको टिकट ले लेनी है नीचे से, अदरवाइज आपको टिकट अप डाउन की नहीं मिलेगी। अगर आप 4:30 बजे या 5 बजे शाम को आते हैं तो भाई आपको ना तभी 1 साइड की टिकट मिलेगी, ठीक है। तो इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है। और हमारे पीछे ट्रॉली ट्रॉली है, और इतना प्यारा मौसम हो रहा, देखो